नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलैक्सो फुटवेयर्स के बारे में। तो रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड जो है वो इंडिया की एक सबसे पॉपुलर कंपनी है और एक टाइम देखा जाए तो कंपनी नंबर वन था। आज कंपनी नंबर वन नहीं है क्योंकि इस सेक्टर में जो नंबर वन पोजिशन में अभी है वो है मेट्रो बैंड। देखिए मेट्रो बैंड मार्केट के वाइज नंबर वन है, तो मेट्रो बैंड कितना अच्छा है कितना खराब है वो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा रिलैक्सो के बारे में क्योंकि रिलैक्सो एक टाइम नंबर वन था। आज भी देखिए कंपनी का मार्केट का 20,000 करोड़ के आसपास है। आज भी एक देखा जाए तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, सेमी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि फूडर इंडस्ट्रीज हमेशा ग्रोथेबल इसीलिए होते हैं, क्योंकि एक चीज को नोटिस करना, ये फूडर इंडस्ट्रीज इसीलिए ग्रोथ करते हैं क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा हो तो जो व्यक्ति एक जोड़ा चप्पल से ही सॉरी एक जोड़ा जूते से ही काम चला लेते थे वो आज तीन चार जोड़ा तो खरीदारी करेंगे ही। तो जिसके ग्रोथ इंडिया में जिसका इकोनॉमिकली ग्रोथ जिस तरीके से हो रहा है उसी बेसिस में लोगों को लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी करना, साथ ही साथ एक के बदले पाँच मतलब एक एक से लेकर पाँच प्रोडक्ट खरीदारी करना वो हमेशा कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो बेसिकली रिलैक्सो के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए होगी क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो पी रेशियो है वो कितना है, 110 103 103 देखा जाए तो कंपनी के जितने सारे सेक्टर में पी रेशियो है उनमें से सबसे ज़्यादा पी रेशियो रिलैक्सो के ऊपर है और यही कारण है जिसके कारण शेयर में प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी सब कुछ डेटा आपको अच्छा दिखेगा, ऐसे सेल्स ठीक है और इस सेक्टर में सारे कंपनीज का लॉसेस है सिर्फ यही कंपनी को छोड़कर, क्योंकि रिलैक्सो के जो फूटर का जो मतलब प्रॉफिट ग्रोथ है क्वार्टरली वो आपको पॉजिटिव दिखेगा। उसके साथ साथ कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर आपको देखने को मिला, तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिले। बाकी कंपनी के जो अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले वो भी देखेंगे, कंपनी के सेल्स का ग्रोथ कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। जैसे सेल्स का ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से है और एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है पिछले साल में 6.21 था, अभी वो अर्निंग पर शेयर 8.13 बन चुके हैं। देखिए बीच में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया था, इस बार फिर से वो धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है क्योंकि मैनेजमेंट खुद कहा कि इस कंपनी के ऊपर वो धीरे धीरे करके रिकवरी फिर से करने वाले हैं। तो रिलैक्सो के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, चाहे कंपनी के ऊपर अभी लॉसेस में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से बिजनेस हमेशा ग्रोइंग मूड में होता है, कभी कभी स्लो डाउन देखने को मिलता है फिर से वो रिकवरी जरूर कर लेंगे। तो रिलैक्सो के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए इन्वेस्टर ने माल बेचकर भाग नहीं गया, उल्टा क्या किया खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया। जैसे FIS ने क्या किया, खुद के होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा दिया क्योंकि 2% का होल्डिंग था, 2-3% के आसपास होल्डिंग था वह 3.5% आसपास हो चुके हैं और DS के पास 7.5% होल्डिंग था वो बढ़कर 9.5% हो चुके हैं। पब्लिक के पास ज्यादा था, पब्लिक ने क्या किया कम किया और प्रोमोटर के पास होल्डिंग था, प्रोमोटर ने यहाँ पे क्या किया वो भी पॉजिटिवली रखा। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। और बाकी इस रिलैक्सो के जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ जिस तरीके से एक पैटर्न स्केड हुआ था वो पैटर्न फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहे थे और शोल्डर बनने के बाद फाइनली यहाँ पे और एक शोल्डर बनना था मगर बना नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, इस प्रेशराइज से कंपनी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना ही सही रहेगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ जिस तरीके से यहाँ पे फॉल देखने को मिला मुझे लगता है लोअर साइड तक आने का चांसेस है। वो लेवल है 750 रुपीज़ के आसपास जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट है, इस सपोर्ट लेवल तक आने का वो कोशिश जरूर करेंगे। बाकी आपकी क्या राय, अभी चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो नेक्स्ट कंपनी कौन सा है जिसका नाम है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, जिसको हम लोग IGL नाम से जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि सर IGL खत्म होने वाला है। मैं एक चीज आपको बता दूं, रिसेंटली एक अपडेट आया कि फाइनली फर्स्ट CNG बाइक मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। आप कहेंगे सर बाइक्स के साथ इस इंद्रप्रस्था गैस का क्या कनेक्शन, देखिए इंद्रप्रस्था गैस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर एक चीज को नोटिस करना, इंद्रप्रस्था गैस मतलब इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड काम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इंद्रप्रस्था जो है IGL जो है वो क्या कर रहे हैं सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ देखा है तो कंपनी का जो बेसिकली जो बिजनेस है वो CNG गैस के ऊपर ही है।
आप खुद ही अभी देख सकते हैं अलग अलग जगह पे कंपनी सिटी गैस के ऊपर काम करते हैं। और बेसिकली इस कंपनी के बिजनेस के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का देखिए पाइप नेचुरल गैस, उसके साथ साथ कंपनी का मेनली बिजनेस जो है वो गैस को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग जगह पे, साथ ही साथ जो नेचुरल गैस कमर्शियल जो मतलब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो बिजनेस है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है और सीएनजी के ऊपर भी काम है। आप खुद ही देख सकते हैं इस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस किसके ऊपर है, सीएनजी के ऊपर है। तो सोचिए गवर्नमेंट अभी ट्रक्स के ऊपर, बसेस के ऊपर, साथ ही साथ अभी बाइक्स के ऊपर भी सीएनजी गैस लगाया जा रहा है। तो सोचिए कुछ कुछ गाड़ियों में सीएनजी लगाया जा रहा है, इसका मतलब सीएनजी का जो बिजनेस का ग्रोथ है वो कंटिन्यू जरूर रहने वाला है। क्योंकि देखिए हर कैटेगरी की गाड़ियाँ यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो देखा जाए तो पेट्रोल डीजल हो, तो हर कैटेगरीज के ऊपर गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है, तो सीएनजी के ऊपर भी लॉन्च किया जा रहा है। तो एक बेसिकली जो ग्रोथ है वो इसका ग्रोथ कंटिन्यू जरूर रहेंगे, क्योंकि सीएनजी का डिमांड बढ़ेगा अगर इस तरीके से गाड़ियाँ मार्केट में अच्छे खासे चले। और देखिए जो इंडिया में एक कहावत है कि जिस प्रोडक्ट का मतलब तो जिस गाड़ी का फ्यूल अच्छा है, मतलब फ्यूल ज़्यादा किलोमीटर तक देंगे, मान के चलिए एक बाइक आपको बता रहा है कि 50 किलोमीटर तक जाएगा 1 लीटर के में, तो अगर सीएनजी में मान के चलिए बताया जा रहा है कि 60 किलोमीटर तक जाएगा, तो लोग इसी को एफोर्ड करेंगे। क्योंकि लोगों को इंडिया में यही मतलब हमेशा जरूरत होता है कि कम अच्छा बाइक मिले और ज़्यादा दूर तक वो जा सके। तो सीएनजी का जो डिमांड है मार्केट में फिर से बनने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक डिसीजन कंपनी को बहुत बड़ा खतरे में लेके आए थे। क्योंकि गवर्नमेंट दिल्ली में जितने सारे सीएनजी में चलने वाले ऑटो होते थे, जितने सारे सीएनजी में चलने वाले गाड़ियाँ था, उसको बंद करने का डिसीजन लिया, उस जगह पे वो ईवी लॉन्च करने वाले थे। और यदि ईवी लॉन्च करेंगे, करने वाले नहीं करेंगे, तो जिसके चलते ये सीएनजी को बहुत बड़ा खतरा आया था, उसी बेसिस में एक बिग क्रैश देखने को मिला। आपको जो ये जो लेवल में क्रैश देखने को मिला था ना, वो उसी रिजल्ट के, उसी न्यूज़ के कारण। और मुझे लगता है इस तरीके से न्यूज आते रहेंगे, इसको देखकर घबरा मत जाना, क्योंकि आईजीएल कोई बेकार कंपनी नहीं है। आईजीएल के मैं अगर परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो आप चौंक जाओगे कि कंपनी का हर टाइम में कंपनी सेल्स को मेंटेन करना, एक्सपेंस को कंट्रोल करना, नेट प्रॉफिट को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में इस बार भी कंपनी देखिए हाइस्ट प्रॉफिट जनरेट करने का कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो एक टाइम कंपनी का अर्निंग पर शेयर लास्ट 10 ईयर पहले 4.5 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 24 रुपीज़ के आसपास हो चुके हैं। तो 5 रुपीज़ से 25 रुपीज़ तक जर्नी कोई छोटा मोटा तो जर्नी नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ने का वो ग्रोथ कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर FISDS पब्लिक, हर किसी के पास बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर जो कैपेक्स है, इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कैपेक्स। कैपेक्स को देखेंगे तो कंपनी हर साल में खुद का कैपेक्स किस लेवल तक बढ़ा दिया, किस लेवल तक कंपनी किस तरीके से कैपेक्स को ग्रोथ किया। तो इस बार कंपनी का हाइस्ट कैपेक्स है करीबन 1155 करोड़ के आसपास। तो कंपनी कैपेक्स को क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, मैं पहले बोल चुका हूँ, जो क्रैश हुआ था उसके बाद रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए एक ही चैनल के ऊपर काम कर रहा है, तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड पहले जो एंट्री था उसका टारगेट तो हो चुका है। दूसरा एंट्री अभी तक मैंने नहीं लिया, क्योंकि जब तक मुझे कोई फाइनली कुछ पैटर्न ना दिखे, कोई भी स्ट्रांगली लेवल ना दिखे, तब तक मैं एंट्री नहीं करूँगा। अभी इसके चैनल के माध्यम से चलते दीजिए और जब भी इस लेवल को टच करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए मैं इस पॉलीकैब के ऊपर वीडियो बनाते बनाते मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बार बार बोलता था कि अच्छे कंपनी के ऊपर कभी भी डरना नहीं चाहिए। उसका मैं एग्जाम्पल और प्रूफ मैं आज दिखाऊंगा। जो कंपनी का लाइफ टाइम हाई था वो फाइनली लाइफ टाइम हाई को फिर से टच किया है। अगर आप देखेंगे तो पॉलीकैब के ऊपर जब नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फैला गया था कि 1000 करोड़ कंपनी टैक्सेस चोरी की है, टैक्सेस नहीं दिया, तब इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो गया था, करीबन करीबन 40% के आसपास, टॉप लेवल से देखा तो 40% के ऊपर भी फॉल हो गया था। तो क्या हुआ, कंपनी धीरे धीरे करके रिकवरी किया और रिकवरी भी कितने दिनों में किया, अगर मैं डाउन साइड से एकदम आज के लेवल तक देखूँ तो 47% का रिकवरी किया और वो भी 110 दिन में, मतलब मान के चलिए 4 मंथ हुआ है। तो 4 मंथ में 40% का रिकवरी करना, तो जो लोग समझदार है, जब मैं इस लेवल में एंट्री लिया था मैंने आपको चीख चीख कर यही बताया था कि
जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब बहुत बड़ा फॉल दिखाएगा, बहुत बड़ा क्रैश दिखाएगा, इसके लिए मैं बार बार बोलता था कि मार्केट में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। देखिए आप बिगिनर है तो आपको इस चीज़ को पता नहीं होगा किस तरीके से न्यूज मार्केट में फैला जाता है, इसीलिए क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर उसको निवेश कर पाए। क्योंकि आप देखिए इतने दिनों से वॉल्यूम नहीं था, जब शेयर भाग रहा था तब वॉल्यूम था, बिल्कुल नहीं, जब क्रैश हुआ तब वॉल्यूम स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एंटी यहाँ पे कर रहे थे, और हम लोग मतलब पब्लिक लोग क्या कर रहे थे, बेकार में इस जगह पे पैनिक क्रिएट करे और इस जगह पे हम लोग बुरी तरीके से फंसे और लॉसेस में एग्जिट कर लिए। तो देखिए जब तक आप लॉसेस में एग्जिट करना बंद नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ट्रेडर बनिए, आप इन्वेस्टर बनिए, आप आपके हिसाब से जरूर बनिए, मगर आप सीख कर बनिए। मेरे चैनल के माध्यम से सारे डेटा आपको सिखाया जाता है, मतलब सारे चीज़ आपको मैं इसीलिए कंटिन्यू सिखाता रहता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे कोई भी पेड वर्सन नहीं है, कोई भी पेड वर्सन नहीं है। कोई भी टेलीग्राम चैनल तो है जहाँ पे मैं सिर्फ न्यूज अपडेट शेयर करता हूँ, वहाँ पे आपको एक भी पेड वर्सन ऐसे नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको पेड वर्सन से कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है और मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से, तो प्लीज़ वो फेक है, तो उससे दूरी रहिए। क्योंकि मेरा काम कोई भी पैसा लेना नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझ कर काम करना। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर बेकार लगे तो ऑब्वियसली आपके हिसाब से जरूर काम करिए। तो कितने सारे व्यक्ति को अच्छा लगे मुझे एक बार लाइक करके बता दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो पॉलीकैब के ऊपर मैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हूँ, बाकी अभी तो सिर्फ इस हाई लेवल को टच किया है, अभी मुझे एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक कप पैटर्न देखने को मिला, तो इस कप पैटर्न तो कम्प्लीट हो गया, अभी मुझे चाहिए एक हैंडल पैटर्न। तो इस हैंडल पैटर्न को ब्रेक करेगा तो फिर से एक एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि जो एंट्री लेवल यहाँ पे था उसका टारगेट तो इस लेवल में मैंने कम्प्लीट किया। यहाँ पे दो एंट्री लेवल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, मैं पहले भी डिस्कशन किया हूँ, तो फाइनली और एक पैटर्न से अभी बनने जा रहा है, पैटर्न कंप्लीट होगा तो अच्छा खासा एक एंट्री मिलेगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भागीरथ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो से 2000 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी जल्द से जल्द एक बिग अपडेट लेके आने वाला है, कंपनी स्प्लिट का, तो 2 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं 1 के बदले 10 शेयर, तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरा काम था इस कंपनी के ऊपर अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया, वो आपके साथ शेयर करना मेरा काम था, और आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।